टीम इंडिया ने नागपुर T20 में बांग्लादेश को 30 रनों से हराकर 2-1 सीरीज कब्जा ली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। जी हां, टीम इंडिया ने जीत के साथ साथ कई नए रिकॉर्ड भी कायम किए। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर और T20 अंतर्राष्ट्रीय में पहले ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने T20 क्रिकेट में हैट्रिक ली। अगर बात करें महिला वर्ग की, एकता मिश्रा रही जिन्होंने 2012 में श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक ली थी। अब क्या क्या वो उपलब्धियां थी जो टीम इंडिया ने उस आखिरी T20 जो नागपुर में खेला गया हासिल की थी, और कैसे एक नया मुकाम, या कह लीजिए एक नया रिकॉर्ड टीम इंडिया ने कायम किया है जो आज तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम अपने नाम नहीं कर पाई है। वो रिकॉर्ड है क्रिकेट के तीनों प्रारूप यानी तीनों फॉर्मेट में हैट्रिक लेने वाली टीम। दरअसल टीम इंडिया इकलौती ऐसी टीम है जिसने वनडे, टेस्ट और T20 अंतर्राष्ट्रीय में हैट्रिक ली है। जो टीम इंडिया के बॉलर्स रहे उन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में 3-3 विकेट लगातार चटकाए हैं। अब कैसे चटकाए हैं, क्या है पूरा ब्यौरा, वो मैं आपको बताता हूँ। इसी साल जो वर्ल्ड कप खेला गया था इंग्लैंड में, उसमें मोहम्मद शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 विकेट लिए थे और हैट्रिक ली थी। तो एक दिवसीय क्रिकेट में मोहम्मद शमी, चेतन शर्मा जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है। तो दूसरी ओर टेस्ट क्रिकेट में हरभजन सिंह और इरफान पठान ने भी ये कारनामा किया। लेकिन हाल ही में अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज दौरे पर किंगस्टन में खेले टेस्ट में हैट्रिक ली थी, और वो एक और ऐसे टेस्ट क्रिकेटर और बॉलर बने थे भारत के जिन्होंने 3 विकेट लगातार लिए थे। उसके बाद अब बात करें नागपुर T20 की, जहां दीपक चाहर ने 3 विकेट लेकर हैट्रिक ली और एक नया कारनामा कर दिया। उस आधार पर एक साल में अगर बातचीत की जाए तीनों फॉर्मेट में हैट्रिक लेने के मामले में, वहाँ भी भारतीय टीम नंबर 1 पर है। अगर बातचीत की जाए भारत ऑल ओवर क्रिकेट के हिसाब से, तो टीम इंडिया इकलौती ऐसी टीम है जिसके तेज गेंदबाजों ने, जिसके बॉलर्स ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में हैट्रिक ली है। तो ये खास उपलब्धि टीम इंडिया ने अपने नाम की है। आज तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ये कारनामा नहीं कर पाई है। और दीपक चाहर ने अजंता मेंडिस, जो कि श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज थे, उनके बेस्ट बॉलिंग फिगर को तोड़ते हुए तीसरे T20 जो नागपुर में खेला गया उसमें हैट्रिक लेने के साथ ये कारनामा अपने नाम किया और ये खास उपलब्धि भी दर्ज की, और साथ ही साथ टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाया और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जहाँ तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम नहीं पहुँच पाई है। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।